एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर पाथवे। सो इन दिस लेक्चर आई डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो ये साइकोलॉजी है, ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो आपका सेंटर का एग्जाम है, चाहे फिर वो स्टेट एग्जाम है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आइए, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आप सभी को बताना चाहूंगी, एक इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि साइकोलॉजी क्या है बेसिकली, किस तरह से ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में हम इसे देखते हैं वो बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसके जो स्कूल्स ऑफ थॉट है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए हैं, अलग अलग फिलोसफर्स हुए हैं, उन लोगों ने क्या कहा है साइकोलॉजी के बारे में, तो उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। देखिए, जो ये साइकोलॉजी है, ग्रीक शब्दों के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। जहां पर आपका जो साइकी है, इसका मतलब होता है सोल, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इस तरह से जो साइकोलॉजी है, इसका इनिशियल मीनिंग है स्टडी ऑफ सोल। देखिए, ये जो डेफिनेशन है आज की डेट में प्रचलित नहीं है। इनिशियली जब ये एक फिलोसफी का हिस्सा हुआ करता था, उस समय स्टडी ऑफ सोल के नाम से इसे जाना जाता था, साइकोलॉजी को। इसमें आपके 16वीं सेंचुरी के फिलोसफर्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, डेक्रेट्स, गैरने, तो ये सभी फिलोसफर्स थे जिन्होंने कहा है कि स्टडी ऑफ सोल ही आपकी मनोविज्ञान है, आपकी साइकोलॉजी है। एंड इनिशियली साइकोलॉजी वॉज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। कहने का मतलब है, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में इसे नहीं देखा जाता था, ये एक फिलोसफी की ही ब्रांच हुआ करती थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं थे इस डेफिनेशन से। क्यों नहीं थे? कि आत्मा का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली, कि आत्मा मतलब मन, किसी के मन में क्या चल रहा है आप कैसे अध्ययन करोगे? तो इसके लिए क्या हुआ, कुछ लोगों ने, कहने का मतलब है 17वीं सेंचुरी के फिलोसफर्स हुए हैं जिसमें कि पेम्पोनजी का नाम बहुत ही फेमस है, इन लोगों ने कहा कि माइंड की स्टडी ही बेसिकली आपकी साइकोलॉजी है, आपका मनोविज्ञान है। जब हम किसी के माइंड या किसी के ब्रेन में क्या चल रहा है उसको स्टडी करते हैं, तो वही क्या है, आपकी साइकोलॉजी है। तो कुछ इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो सेटिस्फाई नहीं थे इस डेफिनेशन से। तो फिर ये जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ माइंड, इससे कन्वर्ट होके फिर डेफिनेशन निकल कर आती है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों आती है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि किसी के ब्रेन में क्या चल रहा है वो कैसे समझोगे आप, क्योंकि ब्रेन में भी तो अलग अलग थॉट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, कैसे समझोगे आप? तो जो जिसमें कि विलियम जेम्स आते हैं, विलियम वुंट आते हैं, 19वीं सेंचुरी के ये साइकोलॉजिस्ट है, टिंचर है, जेम्स सूली है, इन लोगों ने कहा कि हम उस माइंड का अध्ययन करेंगे जो एट प्रेजेंट है। मीन्स कॉन्शियस माइंड का अध्ययन करना ही बेसिकली साइकोलॉजी है। तो इस तरह से हमने देखा, इनिशियल मीनिंग था आपके साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ सोल, देन उसके बाद चेंज होती है डेफिनेशन स्टडी ऑफ माइंड, फिर उसके बाद माइंड से हटकर भी हमने क्या कहा साइकोलॉजी को, कि इट इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर कुछ लोग आए, उन लोगों ने फिर इस डेफिनेशन को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि देखो, ब्रेन है आपके, माइंड है, माइंड की तो कॉन्शियस स्टेट होती है, अनकॉन्शियस स्टेट होती है, सब कॉन्शियस स्टेट होती है। कि अगर आप बोल रहे हो कि कॉन्शियस माइंड की स्टडी ही साइकोलॉजी है, तो बाकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, तो उसकी स्टडी क्या? तो इस तरह से इस डेफिनेशन को भी नहीं माना। अब जो निकल कर डेफिनेशन आई वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि रीसेंट कॉन्सेप्ट है हमारी साइकोलॉजी का, विच इज स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, जो कि डेफिनेशन दी है हमारे 20वीं सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें हम बिहेवियरिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि वुडवर्थ, स्कीनर, पेवलव, थॉर्नडाइक, इनका नाम बहुत ही फेमस है। इन लोगों ने ये डेफिनेशन दी है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ही आपकी साइकोलॉजी है। तो हम देखेंगे किस तरह से साइकोलॉजी ने, सबसे पहले देखिए, साइकोलॉजी ने अपने सोल को खोया खोया ना, क्योंकि हमने सोल वाली जो डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई, हम उससे नहीं थे, सोल को नहीं माना। तो हम समझते हैं डेफिनेशन है वुडवर्थ की, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट
इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। कहने का मतलब है, साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपने आत्मा को खोया, अपने सोल को खोया, देन अपने माइंड को खोया, फिर अपने कॉन्शियस माइंड को खोया। अब इसके पास जो कुछ बचा कुचा है वो इसके पास इसका बिहेवियर है। कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का अध्ययन करना ही आपकी साइकोलॉजी है। क्योंकि देखो, जब हम किसी के व्यवहार को अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। हम उसके मन को भी पढ़ रहे हैं, हम उसके माइंड को पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली उसके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं, टू अंडरस्टैंड माइंड सोल वी हैव टू नीड टू स्टडी द बिहेवियर। तो माइंड को पढ़ना है, सोल को पढ़ना है, कॉन्शियसनेस को पढ़ना है, तो उसके लिए हमें जो है इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना होगा। तो ये डेफिनेशन दी है वुडवर्ड ने। नाउ द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो अब हम इस डेफिनेशन या फिर रिसेंट कॉन्सेप्ट अगर साइकोलॉजी का कहे तो ये स्टडी ऑफ सोल ना होकर ये स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर है। तो देखिए किस तरह से हम जो है 16th सेंचुरी से हम अपने 20th सेंचुरी तक पहुंचते हैं, किस तरह से हम सोल से लेकर हम अपने बिहेवियर तक पहुंचते हैं, इसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम वुंड का। नाम जो है काफी फेमस है आपकी साइकोलॉजी के फील्ड में, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की थी साइकोलॉजी के फील्ड में। तो इन्होंने क्या किया था, लिप्जिग शहर जर्मनी के अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या लैब ओपन की थी, जिसके आधार पर अब ये जो साइकोलॉजी थी आपके फिलोसफी का हिस्सा ना होकर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में देखा जाने लगा। इसलिए इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए 1832 से 1920 तक इनका टाइम पीरियड था। नॉन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लिप्जिग शहर जर्मनी इन 1879। Also known as the father of experimental psychology, used introspection method, self-observation to analyze the consciousness of our mind. कि ये related थे आपके consciousness, हमने अभी study किया था ना, study of consciousness is psychology. तो ये definition, इससे ये जो है बहुत ही प्रभावित हुए थे, या हम कह सकते हैं कि इस definition से ये satisfy थे कि जो conscious mind को स्टडी करना ही बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी है। एट प्रेजेंट लिप्जिग जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की थी लिप्जिग में, तो लिप्जिग यूनिवर्सिटी इज नोन एज द कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी में, इनका नाम जो है याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर टीचिंग एग्जाम में कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पूछा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी पूछा जाता है, या फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड पूछा जाता है, तो आंसर होगा विलियम वुंड। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल लैब 1960 में ओपन हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बाय प्रोफेसर सेनगुप्त। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के। ठीक है, तो इसमें देखो अभी हमने देखा कि अलग अलग थॉट था, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी को लेकर, तो यही जन्म देता है आपके स्कूल्स ऑफ थॉट को। तो सबसे पहले हम स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, हॉर्मिक साइकोलॉजी। तो ये कुछ एक थॉट है या कुछ एक स्कूल्स ऑफ थॉट है जो कि काफी फेमस है हमारे टीचिंग एग्जाम में। देखिए जितना भी हम कॉन्सेप्ट आगे करेंगे, आगे वीडियोस मैं अपलोड करूंगी तो उसमें हम देखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखिए जितना भी ये कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म हम देखेंगे, वैसे स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म अभी प्रचलित नहीं है टॉपिक आपके, साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्टिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एवरी टीचिंग एग्जाम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे टीचिंग एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे, तो सबसे पहले जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है इसको कहा जाता है फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी।
आगे देखेंगे, समझेंगे, वीडियो में बने रहिए, तो वहां हम समझेंगे कि जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है ये बेसिकली क्या है। तो यहाँ बस इतना जानिए, जो ये बिहेवियरिज्म है तो इसके फादर कहा जाता है जेबी वॉटसन को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी टीचिंग एग्जाम पूछा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो ये है जेबी वॉटसन। फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव है साइकोलॉजी की, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है। क्योंकि लास्ट में हमने देखा था ना कि 20th सेंचुरी के जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है कि व्यवहार का अध्ययन ही आपकी साइकोलॉजी है। तो वहीं से जो ये फील्ड है आपकी साइकोलॉजी में, ये बहुत ही फेमस हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्स मानी जाती है, एक जो है ब्रांच मानी जाती है। तो इसलिए इसे हम फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें सेकंड फोर्स किसको कहा जाता है, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, मतलब मन का विश्लेषण। तो अभी भी स्टिल कुछ लोग थे, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जो अभी भी बात कर रहे थे कि हम बिहेवियर या व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे, हम तो अभी भी माइंड में क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, मन का ही अध्ययन करेंगे, मन का ही विश्लेषण करेंगे। इसमें कि जो सिगमंड फ्रॉयड है उनका नाम काफी फेमस है, तो सिगमंड फ्रॉयड इज नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है आपके सिगमंड फ्रॉयड को। इसी में आती है थर्ड फोर्स या थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी, जो कि है ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें हम मानवतावाद के बारे में बात करते हैं। कार्ल रॉजर्स और मैस्लो को कहा जाता है मानवतावाद के जनक। तो ये है हमारी थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है सबसे पहला थॉट है, सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है इसके जनक माना जाता है विलियम वुंड को, जो कि अभी हमने प्रीवियस जब हम बात कर रहे थे विलियम वुंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो विलियम वुंड को ही कहा जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। देखते हैं संरचनावाद में क्या हम बात करेंगे। तो विलियम वुंड वॉज फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ही एक्सपेरिमेंटेड एंड ऑब्जर्व ह्यूमन थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन थ्रू इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके ह्यूमन थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन को समझा। हम बात करते हैं कि एंड जो विलियम वुंड है फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी इन्हें कहा जाता है। कॉन्शियसनेस के बारे में ये बात करते हैं कि जो आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसकी स्टडी करना ही आपके बेसिकली साइकोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करें विलियम वुंड के बारे में बात करें, तो इन्होंने क्या किया था 1879 में लिप्सिक शहर जर्मनी में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की थी, जिसके लिए इन्हें जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज्म, इन्होंने जो है बात कही थी कि किस तरह से जो है ये बात करते थे किस तरह से जो है माइंड का स्ट्रक्चर बना है, जैसे हमारा एक ह्यूमन माइंड होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं। जैसे थिंकिंग के लिए हमारा एक अलग स्ट्रक्चर है, रीजनिंग के लिए अलग स्ट्रक्चर है, कोई कुछ और सोचना है, परसेप्शन है, उसके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर बना है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन माइंड का जो है स्ट्रक्चर बना है। तो ये बेसिकली ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, संरचना के बारे में बात करते थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। देखिए, फंक्शनलिज्म में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चरलिज्म में देखो हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, फंक्शनलिज्म में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ना ही आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्पज से इतना ही इनफ है, इतना ही हमने जानना है। तो फंक्शनलिज्म में हम देखेंगे हु इज नोन एज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो विलियम जेम्स है जिसको कहा जाता है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद के जनक। इन्होंने बात किया है कि हम ऐसे नहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से बना है ह्यूमन माइंड का, वी फोकस ऑन हाउ डज इट वर्क, कि माइंड आपका वर्क किस तरह से करता है, हम इस बात पे फोकस करेंगे। तो ये था आपका फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो इसमें जो आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है वो है कि जनक, प्रकार्यवाद के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रॉयड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस,
मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉयड को कहा जाता है। ये बात करते हैं आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। इद ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। देखिए थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जस्ट हम ये देख रहे हैं और व्यू सा दे रहे हैं कि किन किन साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल था, क्या एक थॉट था साइकोलॉजी को लेकर। तो जैसे साइको एनालिसिस में हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉयड की, तो ये साइकोलॉजी को देखते हैं मन का अध्ययन, कि मन को आप किस तरह से स्टडी करोगे वही क्या है बेसिकली आपकी साइकोलॉजी है। जिसमें कि ये अपनी थ्योरी में बात करते हैं, इद ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की ये बात करते हैं। यहाँ मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की पूरी थ्योरी आपके सामने डिस्कस करूँ, ऐसा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जो कि आपकी फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एंड वॉटसन इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अगर हम बात करें वॉटसन की, काफी अच्छी एक कोटेशन है, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स, आई विल गारंटी टू टेक एनीवन एट रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट। ये एज इट इज उठा के ये डेफिनेशन रखी जाती है और पूछा जाता है ये कोटेशन किसकी है, ये जो वर्डिंग है ये किसने दी है। तो ये वॉटसन ने कहा है कि गिव मी अ डजन ऑफ इन्फेंट, कि मुझे रेंडमली कुछ एक बच्चे उठाकर दे दीजिए और आई गारंटी, मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसके बिहेवियर को, मतलब बच्चे के बिहेवियर को मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ, ऑल्टर कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है जो ये व्यवहारवादी लोग हैं इनका मानना है कि हम लर्नर का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो ये व्यवहारवादी है इनका मानना है कि हम व्यवहार को जो है कंडीशनिंग करके हम आदत डलवा सकते हैं बच्चे की, हम रिवॉर्ड देके, पनिशमेंट देके बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो ये था व्यवहारवादी का कॉन्सेप्ट, बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट, कि हम किसी के भी व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है आपका गेस्टॉल्टिज्म। अब समझेंगे समग्र बात क्या है, गेस्टॉल्टिज्म क्या है। तो सबसे पहले तो वही कॉन्सेप्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म, यही क्वेश्चन बनता है। तो वर्दीमियर इज नोन एज द फादर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म। सबसे पहले अगर हम बात करें गेस्टॉल्ट शब्द है इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है होल, कि हमें क्या करना है, सिचुएशन को सबसे पहले एज अ होल परसीव करना है। जब हम प्रॉब्लम को पूरी तरह से देखेंगे, एज अ होल परसीव करेंगे, तो समस्या का समाधान आपके पास हो जाएगा। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि फॉलोअर कौन है, कौन गेस्टॉल्टवादी को मानते हैं, समग्रवाद को मानते हैं। तो इसमें है आपके कोहलर है, कर्ट लेविन है, कोफ्का है, दे आर द फॉलोअर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमेनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, मानवतावाद के बारे में। तो सबसे पहले आपके जो कार्ल रॉजर्स है, कार्ल रॉजर्स वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमेनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर्स आए, मैस्लो आए, तो ये रिलेटेड है आपके मानवतावाद के बारे में। ठीक है, जो कि बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि किस तरह से हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे अचीव करें, मानवतावाद को कैसे अचीव करें। तो इसमें हम बात करते हैं, तो अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स बिलीव दैट फ्री विल एंड गाइडेड बिहेवियर आर सिग्निफिकेंट टू स्टडी, फोकस ऑन मोर वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, चूजिंग गोल फॉर हिमसेल्फ बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मानवतावाद में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने सेल्फ को अचीव करेंगे। नेक्स्ट है हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। इसमें जस्ट आप इतना याद रखिए कि मैकडूगल इज नॉन एज द फादर ऑफ हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिविज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। ये कॉग्निटिविज्म क्या है, संज्ञानवाद क्या है, देखिए इस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ड या फिर मेंटल प्रोसेस से। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो थ्योरी है लाइक पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, वाइकॉर्स्की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है, बच्चे का मेंटल प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निटिविज्म वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ड से या फिर मेंटल प्रोसेस से, हम इस शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या ये कॉग्निटिविज्म क्या है, संज्ञानवाद क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, जैसे आप थिंकिंग करते हो, मेमोराइज करते हो, परसीव कर रहे हैं,
जजमेंट कर रहे हैं, तो ये आप कहाँ से कर रहे हो? अपने मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल करके इन सभी एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो यही जो मेंटल प्रोसेस है ये कहलाता है आपका कॉग्निटिविज्म। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपके कॉग्निटिविज्म स्कूल ऑफ थॉट का, जिसमें कि आपके साइकोलॉजिस्ट जो फेमस है आपके ब्रूनर है, पियाजे है, टॉलमैन है, वाइकोर्स्की है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर पाथवे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.